अंगुकोलिका श्यामं रूपिणं प्रतिमंगुर्धं सौम्य सर्वगुणेपेतं तं बुद्धा प्रणमाम्यहम्। जय जगन्नाथ। मुझे ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको स्वागत जनाउछि। बंधुगण आमे ग्रह मानंको संगे जो युक्ति विषय आम पढ़ुचे आमे रविंक विषय पढ़िले चंद्रंक विषय पढ़िले मंगलंक विषय पढ़िले आज ग्रह चक्रर चतुर्थ ग्रह अर्थात बालुत ग्रह बुद्धंक विषय आम आज पढ़िबा। तेना बुद्ध कौन ना बुद्ध होचंती बुद्धिर प्रतीक। सब प्रकार जत्ते प्रकार बुद्धि अच्छी जत्ते प्रकार ज्ञान अच्छी सब बुद्धंकर प्रतीक। काहेकि ना बुद्ध होचंती किए ना बुद्ध होचंती आमर जे कोनसी लोक माने से माने कौन करंती जो माने डिटेक्टिव एजेंसी रे अच्छंती जो माने सीबीआई सीआईडी आ मुख्यतः जो माने अंबासडर अच्छंती से मानक पई बुद्ध मुख्य कारक ग्रह। कहीं से डिपार्टमेंट गुड़िक बुद्धि चली तेना जदि बुद्धि नाला जड़े व्यक्ति से डिपार्टमेंट प्रवेश करे ना तेणु बुद्धंर आवश्यकता निहाती अच्छी। आउ बुद्ध कौन ना बुद्ध हूँ मुख्यतः व्यवसाय कारक। जो मैंने व्यवसायी अच्छा से मानकर बुद्ध स्ट्रंग हवा दरकार। कारण ना व्यवसाय से मानक जदि से तांकर तीक्ष्ण बुद्धि न हबो ताहले व्यवसाय से माने तिष्ठि पारिबे नाही। तेणु बंधुगण आज से ही क्रम आम आज जीवा देखिबा जे बुद्धंकर जदि अन्य ग्रह संगे जुक्ति होउछि ताहले आमको की फल सब मिलुछि देखिबा। से ही क्रम आम आज प्रथमे आलोचना करिबा बुद्धंकर संगे रवि। इटा तो मुझे आगुर बहुत थर कही बुधों सांगे रवि हेले बुधादित्य राजजोगटे सृष्टि हुए। बंधुगण मन रखत बुधादित्य राजजोगटी जदि सृष्टि हो प्रथम घरे द्वितीय घरे चतुर्थ घरे पंचम घरे नवम घरे दशम घरे एकादश घरे यहीभिया घर मानक बुधादित्य राजजोग सृष्टि होती आपत जानवे आपणकर भाग्य बहुत तेज आपण विद्या भित्तिक बुद्धि भित्तिक आपण सब कार्य करने आपण निश्चित भाव सक्षम। तेणु ये बुधादित्य राजजोगटी खाली एतिक कथा आपण सब लक्ष्य करिवे जे ग्रहर डिग्री केते अच्छी रविंकर डिग्री केते बुद्धंकर डिग्री केते आ बुद्ध को रवि अस्त कर कि अस्त करदे फल सामान्य कम आसो कि माने नुहजे अस्त हो जाए कि फल देवे ना ना। तेणु बुध होती ग्रहचक्र भितर एक भली ग्रह जे कि अस्त हो गले फल दिखते तार कारण से सब बेले सूर्यंर निकटवर्ती अंचल रहती जहाँफल कि सूर्य फ्रिक्वेंटली अस्त कर दिखती बुध को। तेणु बुध अस्त जदि नए रवि सांगे रही गोटे जगार राजा आ गोटे जगार बुद्धि ताले जदि मिसिक रही रवि हेले कौन आम सरकार कारक आत्मकारक आम चाकरी कारक आत्मसम्मान कारक तांगे बुद्ध अच्छा तेणु तक से उच्च बुद्धि संपन्न निश्चित भाव में करेंगे। आ व्यक्ति विशेष जिते जहाँ जदि बुद्धि ना तो सी के सफलता पाई ना। तेणु बुधादित्य राजजोगटी मुख्यतः जदि सिंह घरे देखु बंधुगण सिंह घरे कन्या घरे आओ मेष घरे मिथुन घरे यहीभिया घर मानक आदि मित्र घर मानक मन कर बृहस्पति घरे बृहस्पति मित्र तेना मित्र घरे जदि यही जगह मानक सृष्टि होपण जानवे से बुधादित्य राजजोगटी आपण बहुत इफेक्टिव। आदि षष्ठ स्थान में बुधादित्य राजजोग सृष्टि होने रखु षष्ठ स्थान में सृष्टि होता गोटे खराब स्थान निश्चित भाव में कितु बुधादित्य राजजोग सृष्टि होतु आपन जदि ऋण करेंगे तेल आप बैंक ऋण करेंगे कारण रवि हूँ सरकार प्रतीक तेणु सरकार ठार आपे अर्थात बैंक ऋण करेंगे आपणकर रोग क्षेत्र में अल्प
खर्च हम बेस खर्च आपना कहीं रवि हूँ स्वास्थ्यर देवता से आपण को सुस्थ रखिए बंधुगण ताले रवि बुध जदि योग आम ज्योतिष भाषा कहा जाए बुधादित्य राजयोग यहाँ गोटे राजयोग श्रेणी जिनस बंधुगण तापर आम देखा बुध आउ चंद्र ये जदि गोटे जगार अच्छा बुध आउ चंद्र ठीक अच्छे मनकर बुध अच्छा ये चंद्र अच्छा सांग अच्छा दीज बुध हेले बुद्धि चंद्र हेले माता बा मन आप मन मन सांगे जो बुद्धि मिसी जाए मन रखु से गोटे उच्चकोटीर जिनस हुए मन बुद्धि मनटा आपणकर बुद्धि द्वारा परिचालित तो मैंने हम हेले आपण सफलता तो निश्चित भाव आपण हाथ में तेणु बुध आउ चंद्र जदि मिसिक रही था ताल से माने मुख्यतः कर्कट घरे देखते कर्कट घरे बुध चंद्र कारण कर्कट घर हूँ चंद्र निजर है ए घरे कि नरे कि चंद्र उच्च घर तुला राशि सरी वृष राशि होदि होपन जानवे जो बुधादित्य राजयोगटी बहुत कार्य आपण को दौर जदि बिछा राशि बुधादित्य राजयोगटी हो बुध से बुध मंगलों सांगे शत्रुता आ चंद्रंर से नीच घर बंधुगण देखते जदि बिछा राशि तेल आपड़ एत गुड़े फल पाई ना आ मुख्यतः जदि षष्ठ अष्टम द्वादश होात्र फल पाइबे से फल पाइबे बोल से कथा नुह किंतु जी आप आशा करूप फलटी आपण को मिल बंधुगण तापर देखु बुध आ मंगल बुध मंगल जदि मिसी जाती ताहले से की प्रकार फल दिखती बुध हेले बुद्धि मंगल हेले पराक्रम मुझे थर आपण मान कहले भावी आपण मान बोधे मुखस्थ हो सारे सब सब आप बुझी सारे कहीं मंगल हूँ पराक्रमी बुध हूँ बुद्धि तेणु आपणकर बुद्धि आक्रम जब गोटे जगार मिसिक रहा ताल व्यक्ति विशेष से तो बहुत बड़ हमें ता कारण तर बुद्धि अच्छी फिर पराक्रम भी अच्छी आपणकर बल अच्छी किंतु बुद्धि से बल आपणकर किसी काम आसो ना कि बुद्धि अच्छी फिर बल ना आप कौन कि कम करें दीटा जाक मिसिक अच्छी तो सी बहुत बड़ कथा ताल बुध मंगल जदि मिसिक रहा मुख्यतः मंगलों निज घर टी निज घर मंगलों कौटी ना गोटे है बिछा राशि आउ गोटे हूँ मेष राशि यही राशिटी ये दीटी राशि ये राशि ए राशि ये है कौन ना ये है मंगलों राशि सेमती बुधं भी दीटी राशि अच्छी ए राशि ए राशि एति जगार जदि सृष्टि हो बुध मंगल जोग ताहले से कौन है ना आप पराक्रमी हे आ मुख्यतः लग्न तृतीय चतुर्थ नवम दशम एकादश यही घर मानक तृतीय घर ये ये जिनसटी होती आप जानवे आप बहुत पारिवार लोक कारण तृतीय घरे रहीकि दृष्टि दौरान कौ घर को नवम घर को नवम घर को सीधा देखुवा हेतु आपण भाग्य परिवर्तन आसीबो आपण भाग्यवान भी हो पारे बंधुगण तापर देखु बुध आ बृहस्पति जदि ये दीटी ग्रह जोड़ी हेले बृहस्पति हूँ ज्ञानर प्रतीक धर्मर प्रतीक अर्थर प्रतीक आ बुध हूँ बुद्धिर प्रतीक बुध हेले गणित ज्ञानर प्रतीक पदार्थ विज्ञान प्रतीक फिजिक्स मैथमेटिक्स यही ज्ञान मानक बुध हूँ प्रतीक आ बुध हूँ कौन जिते प्रकार कंप्यूटर ज्ञान अच्छी सी सब बुध तेणु बंधुगण देखु यही प्रकार टेक्नोलोजिकाल ज्ञान सहित ज्ञान भी मिसीगला साधारण ज्ञान ना गभीर ज्ञान तांगे मिसला फेरे टेक्निकाल ज्ञान मिसीगले आप बहुत बड़ पद पदवी पाइपर या ज्योतिष शास्त्र में कहती लक्ष्यभेदी राजयोग जदि बुधों सांगे बृहस्पति मिसिक था लक्ष्यभेदी राजयोग कहुए बंधुगण आपड़ जदि यही जोगटी जन्म होती मन रखु आप बहुत गवेषणा करें सैंटिस्ट हो पारे आप जो क्षेत्र में खाली गवेषणा कराऊपा डिपार्टमेंट मानक चाकरी करें बुध सांगे बृहस्पति थे बंधुगण तापर आउ गोटे देखा कौन ना बुध आउ शुक्र बुध शुक्र थे ताकू गोटे राजयोग कहुए ताकू कहते लक्ष्मी नारायण राजयोग
ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼େଇ ସାରିଛି ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଳାସତାର ପ୍ରତୀକ। ଶୁକ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଳାସତା ଦେବେ, ତାର ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବା ସହିତ ଧନରତ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବେ, ଧନରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଗଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏକାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଘରେ ହେଉ ବା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଘରେ ହେଉ ବା ମୀନ ରାଶିରେ ହେଉ ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଘର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ହେଉ, ଏଇ ରାଶିମାନଙ୍କର ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଯୋଗଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାଜଯୋଗଟିଏ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଘରେ ହେଲେ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଘର, ଏଇଟା ହେଲା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଘର, ଏ ଦୁଇଟା, ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚ ଘର, ଏତିକି ଘରେ ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଘରେ ବି ଯଦି ଏତିକି ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଇ ରାଜଯୋଗଟି ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜଯୋଗଟିଏ, ବୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ପଳାଇଯିବା ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ। ବୁଦ୍ଧ ଶନି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଗ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସୋଚ ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଗଭୀର ବାଟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଆସେ ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ଟିକିଏ ଭଲ ଫଳ ବି ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ଫଳ ପାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶନି, ଶନି ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ କରିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଇଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ରହିଥିବା ହେତୁ ସେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଘରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ ମିଥୁନ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ଇଏ ହେଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଘର, ହେଇ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଶନିଙ୍କର ଘର, ସେ ଘରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏ ଘରଟି ହେଲା ଶନିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଘର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଶନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତା'ର ଅର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରହିବେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆୟୁର ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶିକରି ରହିଗଲେ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ରାହୁ ହେଲେ କ'ଣ, ଫରେବି ଛଳନା, ସେ ହେଲେ ଛଳନାତ୍ମକ ଗ୍ରହ, ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବାଳୁତ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯିବେ। ବୁଦ୍ଧ ରାହୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆହୁରି ମିଶିଛି ତା'ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆହୁରି ସେ ମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ପଳାଇଯିବ ବେଶୀ। ଆଉ ଯଦି ବୁଦ୍ଧ କେତୁ ଏମାନେ ଇଏ ଯଦି ଥିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେତିକି ଖରାପ ଫଳଟି ଦିଅନ୍ତି କେତୁ ସେତିକି ଖରାପ ଫଳଟିଏ ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ସେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। କେତୁ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆଗ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରହର କାରକକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଗ୍ରହର କାରକ ପାଇଁ ମୁଁ ବତାଇ ଦେଇଛି 9 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ ମୋର ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ଗୃହରୁ କ'ଣ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାରକ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋର 9 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବତାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଯୋଗ ହୋଇକରି ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିର ଫଳଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଙ୍କର କାରକ ଜାଣିବେ ଆଉ ତା'ର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଜାଣିବେ, କେଉଁଠି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ୁଛି, ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି କି ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ, ଯଦି ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବୁଝିସାରିବେଣି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ
आपको बुझे पारि आदि भल लगुव बंधुगण आप लाइक करेंगे सेयार करेंगे आ जो मैंने नवीन दर्शक अच्छा नुआ देखुं से मैंने कौन करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बंधुगण आप सब्सक्राइब कले मोर जी मुआ नुआ वीडियो लोड करी आपण तार नोटिफिकेशन चली निश्चित भाव देखिक तार फायदा उठे पारे। हाँ, ये रही बंधुगण, जय जगन्नाथ।